दोस्तों, YouTube पर जितने भी सफल यूट्यूबर हैं उनमें दो बातें हमेशा कॉमन रहती है। पहली, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और दूसरी, ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो और मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो को शूट करते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक बहुत ही अच्छी वीडियो को शूट करेंगे और ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। अगर आप एक व्लॉगर हो या फिर कोई भी चैनल है, टेक का चैनल है, और आप अपने कैमरे से वीडियो को शूट करते हो, ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो, सारा काम मोबाइल फ़ोन से ही करते हो, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम को मैं इसमें सॉल्व कर दूँगा, और जो ज़रूरी सेटिंग होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा, आपको कैसे आपको पूरा काम करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहिए, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए और घंटे के बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे कैमरे को नीचे कर रहा हूं, लेकिन कलर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कभी कभी होता नहीं, मोबाइल से जब हम वीडियो को शूट करते हैं तो आसमान काला हो जाता है और चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये मोबाइल में खूबी नहीं है, यहाँ पर पूरा काम एप्लीकेशन का है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा आपको। लेकिन दोस्तों, डाउनलोड करना बड़ी बात नहीं है, उसमें जो सेटिंग करना वो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी उसी से बेहतर होगी, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख, क्योंकि मैं आपको कुछ ज़रूरी सेटिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जा करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा आप लिखेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अब क्या सेटिंग करनी है, कैसे आपको सेटअप करना है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण सेटिंग बताऊँगा। पहली सेटिंग ऑडियो को इम्प्रूव करेगी, दूसरी सेटिंग वीडियो को इम्प्रूव करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपना मोबाइल को सीधा पकड़ लीजिए हाथ में, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है वीडियो सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे स्क्रॉल करना है, नीचे आएंगे तो देखेंगे आप ऑडियो सोर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैंने जेनरिक का माइक ले लिया, बोया का माइक ले लिया, लेकिन मोबाइल के कैमरा एप्लीकेशन में जब इस्तेमाल करते हैं तो वो काम नहीं करता, तो इसके लिए आपको ओपन कैमरा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल माइक पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक काम करने लगेगा और ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर जो नीचे से दूसरा ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर वॉइस, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो इसमें थोड़ा बेटर आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर फिर भी ये ऑप्शन काम नहीं करता तो एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट, इस पर आप क्लिक करके आप दोनों पर चेक कर सकते हो, जिस पर आपका काम करे उस पर आप जो है सेट कर देना। दोनों में आप सेट कर लेना, जिसमें आपका चल जाए उसको आप यूज करना। उसके बाद अगर आपने माइक लगा लिया अपने फ़ोन में, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। ये ऊपर कॉर्नर पे सेटिंग का ऑप्शन है। तो आप देखते हैं दोस्तों, ऊपर जब हम अपने कैमरे को ऊपर उठाते हैं तो जो है वो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, ऐसा आप जो है अपने कैमरा के एप्लीकेशन में देखते होंगे। तो यहाँ पर ये जो फोकस को लॉक करने का जो ऑप्शन है बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो हम लोग करते क्या है, इसमें एक्सपोज़र जो है इसको लॉक कर देते हैं। अभी मैं आपको बैकग्राउंड में ब्लर भी करके दिखाऊंगा। देखिए, ये मेरे हाथ को आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसको अनलॉक कर दिया। पहले मैं इसको पहले फोकस को सेट करूँगा अपने हाथ पर, तो पीछे देख सकते हैं ब्लर हो गया। अब मैं इसको इतने पर ही क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँगा, तो ये ऐसे बना रहेगा और पीछे हमेशा ब्लर बना रहेगा, और आप आराम से जो है अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो को शूट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग आउटसाइड वीडियो को शूट करते हैं तो जो धूप छाही की जो प्रॉब्लम होती है, शेडो आ जाती है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस माइनस पे क्लिक करके अपना जो ISO एक्सपोज़र है उसको सेट करना है कि कितना आपको ब्राइट चाहिए, कितना वाइट बैलेंस चाहिए। आप यहाँ से जो है इसको एडजस्ट करिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लॉक का जो बटन है
ताला बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं और वो आपका वहीं पे बना रहेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे पेड़ और आसमान के बिल्कुल बीच में एक्सपोज़र पे क्लिक करके सेट करते हैं ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। अब उसके बाद देख सकते हैं नीचे मेरा ये सेल्फी स्टिक रखा है। अब उसके बाद मैं ऊपर दिखाऊंगा, लेकिन कहीं से भी शेडो का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा लगता है कि किसी कैमरे से शूटिंग कर रहा हूँ और जैसे व्लॉगिंग के लिए जो स्पेशल कैमरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब एप्लीकेशन का ही कमाल है, उसी से सारा चीज़ हो रहा है।